तो भाई मॉर्निंग में आके गंगा स्नान कर लिया, अब कहाँ जाना है? अभी जाना है शिवगादी। तो यहाँ पे एक परंपरा और ट्रेंड है कि शिवगादी जाने से पहले गंगा स्नान करके यहाँ से गंगा पानी उठाया जाता है। तो हर हर महादेव। चलिए अब निकलते हैं। चलिए ओके। हाँ हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम साहिबगंज वंस अगेन। तो आप लोगों को सुबह ये मोटो व्लॉग देखने के लिए इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ का शिव धाम, शिवगादी धाम बोलते हैं उसको, जो बरहेट ब्लॉक में है, कम से कम 50 से 60 किलोमीटर यहाँ से लगभग साहिबगंज से। तो हमारी दिन की शुरुआत गंगा स्नान से होती है क्योंकि शिवगादी धाम जो भी जाते हैं तो गंगा स्नान करके गंगा जल यहाँ से उठा के जाते हैं। हम लोग 5 लोग जा रहे हैं और 5ों हम लोग एक ही ऑफिस से बिलोंग करते हैं, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो मेरे पीछे शुभम है और एक बाइक में पीछे रितेश जी और दोनों पांडे जी। मौसम काफी शानदार है, काफी जबरदस्त। उस तरफ पहाड़ों में देख के आपको पता चल रहा होगा, पहाड़ों में बादल दिखाई तो दे रहे हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ, लेकिन राइड करने के लिए सुटेबल और सबसे बेस्ट मौसम। तो शिवगादी का प्लान काफी समय से हम लोग बना रहे थे। एक्चुअली कल ऑफिस में ही थे तो सभी लोगों ने बोला कि चले क्या, तो बस नेकी और पूछ शिव मंदिर जाने के लिए तो ऐसे भी उत्सुकता बनी ही रहती है हमारी। बारिश तो होएगी लग रहा है क्योंकि उस तरफ देख लो बादल पूरे घिरे हुए हैं और हल्की हल्की छीटा कसी या बूंदाबांदी हो भी रही है यहाँ पे। तो सुबह में यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाने से कैसा रहेगा, कर लें क्लिक? देखो भाई, सुंदर नज़ारे में मैं फ़ोटो तो खिंचा लिया, एक शुभम का क्लिक कर रहा हूँ, ये लड़का और ये फ़ोन। ये बजरंगबली जी का मंदिर बताया जाता है कि यहाँ पे घाटी जब बन रहा था तो काफ़ी एक्सीडेंट होता था यहाँ पे, तो जब से भगवान जी को स्थापित किया गया उसके बाद से एक्सीडेंट कम हो गए हैं। बाकी साहिबगंज की पहाड़ियाँ और ऊपर बादल जो आ रहे हैं ना, ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। होएगी घनघोर बारिश, लेकिन पता नहीं हमारे साथी लोग कहाँ रह गए हैं, वो लोग निकर विकर तो लेने नहीं रुक गया, ऊपर चलते हैं। चलो चल जल्दी पहुँचाओ, मैं पीछे बैठ के मोटो ब्लॉक कर रहा हूँ। बूंदाबांदी तो होने लगी है, रास्ता जैसे आपको गीला दिख भी रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है भाई। सुबह हम राइड के लिए परफेक्ट मौसम है ना, जैसा आपको चाहिए था वैसा मिल गया, जैसा मैं चाह रहा था वैसा। तो भाई ढाबा में रुका जाए और उनका वेट किया जाए। तो भाई फ़ोन का जुगाड़ कर लिया गया है, एक प्लास्टिक ले लिया यहाँ दुकान से और सारा मोबाइल इसमें डाल के स्मार्ट वॉच वगैरह डाल के निकलते हैं। अरे आप लोग कहाँ हैं जी, वीडियो में दिख ही नहीं रहे हैं। ये हमारे पांडे जी वन और वो हैं पांडे जी टू। क्या पांडे जी, स्वागत नहीं करोगे हमारा? पक्का बिहारी लग रहे हैं हमारे रितेश, पक्का बोलबम जाने वाले लग रहे हैं ये। हर हर महादेव। चलिए भाई हर हर महादेव। भाई बारिश तो होने लग गई, बहुत अच्छी बारिश हो रही है यार, मौसम बहुत ही जबरदस्त कर रखा है। ऐसा ही मौसम मैं चाह रहा था झारखंड आने के बाद, ऐसा मौसम दिख ही नहीं रहा था। सावन के 2 महीने में से 1 महीना बीत गया जुलाई और अगस्त में बारिश हो रही है, और ये सूरज ने बोला था कि सर होगा अगस्त में ही बारिश। और सुबह कैसा लग रहा है भाई? बहुत मजा आ रहा है। ओए होए होए, क्या मौसम है भाई, क्या मौसम है, शानदार। लगता है कैमरा निकालना पड़ेगा मुझे, कैमरा हटाना पड़ेगा लग रहा है। लग रहा है। नहीं, पेड़ के नीचे रुक के हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं रोड किनारे कोई पेड़ होता है तो वहां पे रुकते हैं, कैमरा हटाते हैं। अरे भीगे तो भीगे पहले हटा ही लेते हैं भाई। साइड में उधर हटा ही ले पहले। हाँ कैमरा हटा ही लेते हैं पहले। वाला भी, ये भी तो अजीब वाला लगा दिया, पूरा ही सेट कर दिया। साला कैसे निकलेगा ये, इसको खुलने से नहीं निकलेगा। तो भाई देख लो किस तरह से बारिश हो रही है, बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है। ये देखो पीछे हम लोग, मस्त बारिश हो रही है ना, बहुत दिन बाद इतना बारिश हो रहा है। बहुत मस्त माहौल है यहाँ का, बहुत बढ़िया है। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। तो भाई कैमरा निकालने के लिए रुका हुआ हूँ मैं, बस कैमरा को रखते हैं अंदर, बारिश तेज हो रही है, कहीं पे कम होगा फिर उसके बाद व्लॉग आगे बढ़ाएंगे। तो भाई थोड़ा सा इस खूबसूरत सीन के पास रुके थे, जो पहाड़ी है उसमें बादल आए हुए थे, अभी तो छट गए। अरे वहाँ पे बैल और भैंस वगैरह से खेत को जोता जा रहा है। जय बाबा। साइड में बाबा की नगरी से हम लोग बस 35 किलोमीटर दूर है। हाँ। यथाशीघ्र हम लोग फिर प्रस्थान करेंगे बाबा के दर्शन हेतु। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव।
रास्ता बिल्कुल गीला हो चुका है, और जब हम लोग इस तरफ से जब देखेंगे ना तो ये जो पहाड़ी में देख लो बादल ही बादल हो रखा है भाई, बहुत ही जबरदस्त सीन है ये। मैं हिमाचल में ऐसा देखता था, मुझे लगता नहीं था कि कहीं और देखने के लिए मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ तो मस्त ही लग रहा है। सही बाबा कृपा ही केवलम है। हाँ। और बाबा के साथ ही लोग रहे। हाँ। बाकी सब मोह माया है। हाँ। बाबा ये तो शादी ब्याह करना चाहिए कि नहीं? शादी ब्याह तो करना ही पड़ेगा, क्या कीजिए। तो भाई यहाँ पे रुके हैं हम लोग चाय पीने के लिए, सभी को चाय की तलब हो रही है। चाय की तलब इसलिए हो रही है क्योंकि भीग गए हैं ना, क्या भांग है। आए हाय हाय, भाई लोग जलपान ग्रह कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी यहाँ से कितना दूर है? और यहाँ से 25 किलोमीटर और 25, यहाँ से और 25 किलोमीटर बरहेट पार करके पहुँचना पड़ेगा। तो चाय वाय तो हमने पी लिया। वाह बहुत डाउन है यार ये तो। ऊपर वाला पुल नया है, ये पुल नया है, ये पता नहीं है। वो पुराना है। बताओ ये कंडीशन है अभी भी रास्ता का। बेटा यहाँ ट्रक पलटा हुआ है रे। हाँ यहाँ ट्रक इधर घुस गया यार, इसको कोई पूछने वाला भी नहीं है यार। लोहा चोरी करने वाला लोग अभी तक नहीं बेचा इसको। तो लो भाई फिर से बारिश शुरुआत हो गई, बोरियो पार करके बरहेट वाले रास्ते पे हम लोग। अभी बारिश फिर से शुरू हो गई जैसा मैंने बता रहा था। हिल्स हैं, काफ़ी अच्छे हिल्स हैं ये, अप्स एंड डाउन्स है। तो जहाँ जहाँ हम अप में आ रहे हैं वहाँ वहाँ बादल है, तो थोड़ी थोड़ी बारिश और जा रही है। वो जो पहाड़ी आप देख रहे हो, अगर दिख रहा होगा ना, तो पहाड़ है और ऊपर बिल्कुल बादल, ऐसे ना बोलते हैं ना कि ऐसे ढक देना, बादल बिल्कुल वैसे ढक दिया है उस पहाड़ को। बच्चे छोटे छोटे चरवाहे। बरहेट से लगभग 4 किलोमीटर के पहले हैं, और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कानू जो क्रांतिकारी थे उनका गेट बनाया गया है, ऐसे सिद्धू कानू का द्वार है, क्योंकि यहाँ से इस तरफ बरहेट है, बरहेट से ही आगे उनका गांव पड़ता है भोगनाडी, और शिवगादी का रास्ता इधर से भी है। ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमर शहीद सिद्धू कानू क्रांति स्थल। अब इसके बारे में 15 अगस्त को पता करके उसको वीडियो में अपडेट करेंगे कि क्या है कैसा है। अभी फ़िलहाल हम लोग शिवगादी निकलेंगे। भाई हम लोग पहुंच तो गए शिवगादी धाम, बाइक वगैरह पार्क में लगा दिया, 30 रुपये का टोकन चार्ज है बाइक का, और बाकी अब दर्शन करने के लिए हम लोग सारे कोई जा रहे हैं। हम लोगों को उम्मीद था कि थोड़ा आगे जाके पार्किंग में गाड़ी लगाएं, अब इनको चाहत है कि हम लोग पैदल पैदल चले। भाई शिव धाम आओ और सांप ना देखने मिले हो ही नहीं सकता। लेकिन छुएंगे, छू के फील करना चाह रहे हैं कैसा लगता है। पानी जब आता अच्छा, शिव के धाम और सांप और ये देखने ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। नाग बाबा का दर्शन हो गया, नाग बाबा को छू भी लिया, बड़ा अजीब लगता है यार, पहली बार छुआ मैंने सांप। ये मेरा सातवां या आठवां बार होगा बाबा का दर्शन। अच्छा आपका पोस्टिंग इधर था, तब आते रहते थे? 2020 में मेरा पोस्टिंग जून में हुआ था, बरहेट में 2 साल रहे, तो जब बाबा बुलाते चले जाते चले जाते थे। और आप कब कितने बार आ रहे हैं? क्लास 9 में जब से आ रहे हैं। अरे वाह, बोलबम भी आए होंगे फिर तो? बोलबम एक बार पैदल गए हैं। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, तो कुछ बोलने का जैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट शिव धाम मैं गया था केदारनाथ धाम, और आज है शिवगादी धाम में, तो हर जगह अलग अलग वाइब्स होते हैं, हर जगह अलग अलग एक माहौल होता है, लोगों का भाषा होता है, पहचान होता है, सब अलग अलग होता है, सभी जगह का अलग अलग अनुभूति, अलग अलग आनंद होता है, तो उसका मज़ा लेते रहना चाहिए। और बोलते हैं ना कि लोग यार बुढ़ापे वगैरह में धाम वगैरह जाओ, पाप मिटाओ, ऐसे बोलते, बुढ़ापे में क्यों जाना, जब हाथ पैर सही सलामत है तभी जाना चाहिए कि बुढ़ापा जल्दी आए नहीं, बाबा और जवान रखे, और बार बार बोले कि आओ बेटा आओ बेटा। होता क्या है कि सहानुभूति लेना पड़ता है लोगों का कि मैं बूढ़ा हूँ। हाँ। यंगर एज में जितना धाम घूम ले उतना अच्छा, उतना अच्छा है। बुढ़ापा में फिर लोगों का सहानुभूति होगा कि हाँ बूढ़े हो गए हैं, इनको पकड़ो, ये करो, तो जो करना है अपने यंगर एज में कर लेना चाहिए। ग्रुप के सबसे बड़े बुजुर्ग क्या बोलना चाहेंगे आप? नो कमेंट।
पांडे जी अपना आंख नहीं दिखाना चाहते क्योंकि बाबा जी की बूटी लिए हुए हैं। पैदल चलने के बाद प्रॉपर जो एंट्री होगी आपकी वो यहाँ से होगी। यहाँ पे सजाया गया काफ़ी अच्छे से और सभी श्रद्धालु वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, बोलबम वगैरह करते। बहुत लोग तो पैदल भी आ रहे हैं, कांवड़ यात्रा लेके भी आ रहे हैं, बहुत लोग बाइक से कार से यहाँ तक पहुँचे हैं और बाइक लगाने का इस तरफ से प्रॉपर एंट्री यहाँ से है। क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही है तो सीढ़ियाँ शुरू हो रही है तो उससे पहले जूता वगैरह हम लोग उतार देंगे। तो यहाँ से प्रॉपर एंट्री शुरू होगा तो उससे पहले हम लोग जूते चप्पल उतारेंगे और ये जो फूल पत्ती वगैरह कुछ लेना है तो वो सब लेके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बारिश तो हो रही है बहुत ज़ोरदार, इधर होटल का खाना वगैरह बन रहा है और यहाँ पे दोनों पांडे जी टूट पड़े हैं पूड़ी और सब्जी पे। वेट कर रहा हूँ, वही पूड़ी आया है, जैसे सब्जी आता है बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, खाऊंगा चार पूरी आठ पूरी खाऊंगा पूरे आठ। अच्छा, पूड़ी खाएंगे? ये सब्जी है पाँच पंद्रह को नहीं पाँच पाँच खाना वाना खा लेते हैं हम लोग और उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। बारिश बहुत जोर से हो रही है और भूख भी तगड़ी लगी, गर्म गर्म पूड़ी और गर्म सब्जी है। गरम गरम पता नहीं टेस्ट कैसा हो लेकिन भूख तो लगी है, सारा तो खाना ही पड़ेगा। आरके रेस्टोरेंट में खाना वाना खा लिए, रितेश भाई के सौजन्य से सारा कुछ हुआ था। जरूर जरूर, बाद में बिल का हिसाब किताब होगा, उसके लिए टेंशन नहीं है, सब बाबा की कृपा है और हम लोग सब जो भी कर रहे हैं सब बाबा की कृपा से कर रहे हैं, हिसाब किताब तो सब लगा रहता है, जो हम करते हैं वो बाबा भी हिसाब करते हैं। चलिए तो यही शुभकामना करते हैं कि आगे फिर दोबारा आए और फिर इस होटल का आनंद ले और इस राइड का आनंद ले और फिर से एक नया ब्लॉग अपने साथियों के लिए फ्रेंड के लिए बनाए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर आप लोग कीजिएगा, इनसे भी बहुत 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 अच्छे है। इसके लिए आप ही बोल लीजिए क्या हम बोले, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। अरे खत्म करना है, आप भी बोलना है, बोले बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक नई जर्नी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।